सब हमको जोहार। आज मैं आदिवासी हो समाज महासभा का जो रजिस्टर्ड इकाई है उसके संबंध में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। हो समाज महासभा का रजिस्ट्रेशन 1983-84 में हुआ था, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या 153 था, 153/84। झारखंड अलग होने के बाद उसको रिन्यूअल करने की आवश्यकता हुई, जिसे देवेंद्रनाथ चमकिया और घनश्याम गागराई लोगों ने 2009-10 में उसको रजिस्टर कराया, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या है 855/2009-10। जो झारखंड अलग होने के बाद जितनी भी समितियां बनी, वास्तव में वो उनका रजिस्ट्रेशन संख्या था 153/84। 2010 में नया रजिस्ट्रेशन होने के बाद उस रजिस्ट्रेशन संख्या से आज तक कोई भी अधिवेशन या आम सभा नहीं हुई। जो मौजूदा समय में हम लोग जो देखते हैं, कृष्णा बोधरा, नरेश देवरम, ये लोग जो समाज के महासभा के पदाधिकारी बने, ये वास्तव में वो लैप्स हुआ जो रजिस्ट्रेशन है 153/84 के पदाधिकारी, जो 2015 में ये चुने गए थे, लेकिन गलत नीयत से इन्होंने देवेंद्रनाथ चमकिया और घनश्याम गागराई के लोगों के द्वारा जो रिन्यू किया गया है उस रजिस्ट्रेशन संख्या को उन्होंने ले लिया और आज उसका ऑडिटिंग कर रहे हैं और उसी से वो लोग अपना धंधा चला रहे हैं। सवाल यह है कि यदि खतियान रविंद्रनाथ चमकिया के नाम पे है तो उसका फोटोकॉपी लेके क्या उसकी जमीन बेची जा सकती है? आज यहाँ पर वही स्थिति है। 855/2009-10 इसका नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि जब तक नई समिति का पुनर्गठन, जब तक समिति का पुनर्गठन नहीं होता है, पुरानी समिति ही कार्य करेगी। यानी कि पदाधिकारी चयन की प्रक्रिया का अध्यक्षता देवेंद्रनाथ चमकिया करेंगे, तभी ये 855/2009-10 कैरी होगा। 2015 में जब कृष्णा बोधरा एंड ग्रुप को चुनाव किया गया था तो इन्होंने 2 नवंबर 2015 को अपनी पुराना नियमावली के 7 अंगा के तहत सभी मानद सदस्य, सक्रिय सदस्य और आजीवन सदस्यों की सदस्यता खारिज कर दी, रद्द कर दी। ये उसकी बैठक की प्रत्येक कॉपी भी मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। यह स्पष्ट कहता है कि वो इस नियमावली के तहत संस्था के कोई सदस्य बचते नहीं। जब नहीं बचते हैं तो वो खुद जो पदाधिकारी हैं वो भी कहाँ बचते हैं, नियमता वो सब भी इसमें अवैध हो चुके हैं। ये सूचना के अधिकार के तहत जब मांगा गया था तो उपायुक्त के माध्यम से ये जानकारी दी गई। इसी विवाद के कारण स्वर्गीय बाबू चंदुरी ने एक आपत्तिवाद दायर किया था, जिसका एडीसी के कोर्ट में अभी भी मामला विचाराधीन है कि क्या आजीवन सदस्य सही में समाप्त हो गए हैं, क्या नियमावली सही है। 7 अंगा जो पुराना नियमावली है उसके तहत उन्होंने सारे लोगों की मानद, सक्रिय और आजीवन सदस्यता खारिज कर दी है, लेकिन वो जो नया नियमावली है उसमें 7 अंगा है ही नहीं। तो पहले तो ये लोग खुद को अपने को कोलैप्स कर दिया, उसके बाद फोटोकॉपी लेके वो लोग भी दावा कर रहे हैं कि हमने तो रद्द किया नहीं। अब सच्चाई लोगों को जानने का हक है, समाज के लोगों को, और ये सवाल उठना चाहिए। लेकिन ये लोग जो अभी वो समाज के अपने को पदाधिकारी मानते हैं, इन्होंने चोरी से देवेंद्रनाथ चमकिया और घनश्याम गागराई जी लोगों के रजिस्टर्ड एनजीओ का सर्टिफिकेट लेके उसका ऑडिटिंग शुरू किया और उसी से ये लोग टाटा कंपनी के कुछ पदाधिकारियों के सहयोग से वहाँ से प्रोजेक्ट सब लाना शुरू किए और ये लोग का पूरा सिस्टम अभी काम कर रहा है, जो अलग अलग सरकारी एजेंसियों में और टाटा कंपनी से पैसे उगाही में लगे हुए हैं। वो समाज महासभा का नियमावली धन उगाही के मामले में स्पष्ट है कि वो सदस्यता राशि और अपने लोगों के सहयोग पर निर्भर है।
इस तरह सरकारी पैसे या किसी अन्य कॉरपोरेट के पैसे पर काम करने का प्रावधान इसमें नहीं है। लेकिन बात बड़ी ये है हो रही है कि रजिस्ट्रेशन जब इनका है नहीं तो फिर इन्होंने किस हैसियत से देवेंद्रनाथ चंपिया जी लोगों का रजिस्ट्रेशन ये लोग इस्तेमाल करके आज अपना काम चला रहे हैं। आप देखेंगे ये लोग गो समाज महासभा के नाम पे एक यहाँ पर भवन है, सांस्कृतिक भवन है, लाइब्रेरी है, उसके बावजूद भी कृष्णा बोधरा और ग्रुप आज गो समाज महासभा कल भवन में लोग बैठने की अनुमति नहीं है। ये लोग कभी पुराना चेंबर साहब में तो कभी किसी में बाहर बाहर मीटिंग करके अपना काम चला रहे हैं, यानी कि धंधा चला रहे हैं। अब हमको समझना है समाज के लोगों कि जो 1983-84 या उससे पहले भी वो समाज को संगठित करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक तरीके से लोगों को गुणवंद और जागरूक करने के लिए जिस संस्था का निर्माण किया गया था, क्या मौजूदा जो चाहे वो फर्जी हो वो लोग उस मकसद को पूरा कर पा रहे हैं? क्या उनके पास आजीवन सदस्य के रूप में जो लोग मेहनत करके उसको बनाया वैसे सदस्य हैं? क्या मानती गुंडा हैं, क्या ड्यूरी हैं? कोई नहीं। उन लोगों ने इसे सिर्फ एक एनजीओ की तरह फंक्शन कराने का प्रयास किया है, जिसके कारण आज तक कभी भी समाज के लोगों के साथ, जो प्रबुद्ध लोगों के साथ, जो मेजोरिटी में लोग रहते हैं उनके साथ कभी इन लोगों की वार्ता नहीं हुई है। सिर्फ टाटा कंपनी के कुछ दलाल प्रवृत्ति के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ साठ गांठ करके ये लोग वहाँ से पैसा का उगाही कर रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। समाज के बीच में आज इसकी जानकारी लोगों को होनी जरूरी है। मैं ये जानकारी आज सिर्फ अपने लोगों को देने के लिए कर रहा हूँ, ताकि जो ये बार बार जो विवाद अलग अलग महासभा आ रही है इसके बारे में जानकारी लोगों को हो। कृष्णा बोधरा और ग्रुप लगातार ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसका कि समाज से संबंधित कार्य नहीं है। कई सारे विवादास्पद हैं, कभी लोगों के साथ ये लोग मिलते नहीं है, बुद्धिजीवियों के साथ मिलते नहीं है, जीवन सदस्य लोग किसी को ये मानते नहीं। तो अब देवेंद्रनाथ चंपिया जी और उनके सदस्यों से हम लोग ने आग्रह किया है कि आप त्वरित कार्रवाई करते हुए इन लोग के ऊपर में 420 का मामला दर्ज कीजिए और समाज नए सिरे से संगठित करने का हम लोग प्रयास करेंगे, जिसमें समाज के सभी लोगों को शामिल किया जाए, जैसे पहले एकजुट होकर पूरे समाज के हित के लिए हम लोग काम करते हैं। किसी कॉरपोरेट के कारण हम समाज के हितों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये एक जानकारी है। इसमें मैंने जो कई सारे इसमें और भी बिंदु हैं, कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर आने वाले समय में चर्चा की जा सकती है। कालांतर में ऐसे जब मौके आएंगे तो मैं और जानकारी दूंगा, लेकिन अभी ज़रूरत है वो समाज महासभा को बचाने की, किस तरह ये समाज का प्रतिनिधित्व दोबारा कर सके। समाज के सामने कई तरह के जरूरत मुद्दे हैं, कई लोग नशे की गिरफ्त में, शादी विवाह की मुद्दे हैं, लोग चटमंगनी पर शादी कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, सोशल मीडिया के चक्कर में, पोर्नोग्राफी के चक्कर में कई ऐसी घटनाएँ हमारे समाज में हो रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। समाज में कई सारे ऐसे मुद्दे चर्चा करने की आज जरूरत है, जिससे कि लगे कि समाज में कोई राजनीतिक हो रहा है, वो सब अभी यहाँ नहीं हो पा रहा है। तो ये हमें फिर से हम लोग को कोशिश करना है कि समाज को उसी मूल्यों के साथ स्थापित करने का प्रयास करना है जिसके लिए आदिवासी हो समाज जाना जाता है, न कि एक संस्था के रूप में जो एनजीओ रजिस्ट्रेशन के तहत जो सरकारों से पैसा लिया जाता है उसके तहत सब।